हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटेला। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड वीपीडीओ का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये सेट सी है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य रूप। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियाँ दी हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में कौन से तथ्य उपयुक्त हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म छाटिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ व्यंजन लो। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दावत आगत शब्द है, थैला देशज शब्द है, पंकज योगरूढ़ शब्द है और तहसीलदार शंकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आस पास। नेक्स्ट है, आखन है आंसू उनी, घुनन है जके उनी। आखन है आंसू उनी, घुनन है जके उनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छिटड़ का अर्थ होता है अतिवृष्टि। नेक्स्ट है, भतुआ भटा सेमी क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति। नेक्स्ट है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुधन ऐसण अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यण संधि के। नेक्स्ट है, जय की ज्वय ने वीक क्वे ने में ज्वय शब्द का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घरवाई। नेक्स्ट है, झिक्कल कामची उडायली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिवादी सर्वनाम। नेक्स्ट है, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांचो या बगोई। नेक्स्ट है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहेली को। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जाओ। क्या राहुल घर जा रहा है, शायद राहुल घर जा रहा है। इसमें सूची सेकंड है, उससे हमें मैचिंग करनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ना करने योग्य को बोलेंगे अकरणीय, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे बोलेंगे अगम्य, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलेंगे अकिंचन, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे बोलेंगे अगणनीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन से लोकोक्ति प्रकट करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिराना
वीराना सोनन नाक दुखड़ू। अब सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं। एमएस वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट, ये दोनों ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? सेलिनोमीटर क्या करता है? लवणता मापता है। थर्मामीटर ताप नापता है। बैरोमीटर वायु दाब के लिए होता है, यहाँ पे वायु गति है, यानी कि यही सही होना चाहिए, यही सही है। और क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी हुई है, इसमें है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसकी है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी इसमें। दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसमें द्विसदनी व्यवस्था हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेक इन इंडिया पहले चार स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन चार स्तंभों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नए गंतव्य, यानी कि न्यू डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 697 वस्तुएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं सतत विकास। नेक्स्ट है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा कर होने से रोकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट दिया हुआ है, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। कथन सेकंड में है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं गोमत। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। इसमें है बजट, वार्षिक वित्तीय कथन, नाबार्ड, SHG बैंक संबंधित कार्यक्रम, फेमा आर्थिक सुधार, CPI मुद्रा स्फीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। कथन सेकंड है, आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है केवल कथन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IPv11। नेक्स्ट है, निम्न में से
किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरलता तथा मांग में कमी। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें है दादा भाई नेहरूजी, बॉम्बे एसोसिएशन, गोपाल कृष्ण गोखले, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक दी मराठा, लाला लाजपत राय दी पीपुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, इसका होता है अनुच्छेद 112। सांसदों के वेतन एवं भत्ते, होता है अनुच्छेद 106 में। धन विधेयक होता है अनुच्छेद 110 में। कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, यह अनुच्छेद 392 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। सेकेंड कथन है, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र होकर गुजरता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चलैया कमेटी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईरान। नेक्स्ट है, भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। कथन सेकंड में है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल कथन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। दूसरा कथन है, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। कथन थर्ड है, अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। फर्स्ट कथन है, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थाओं की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, उत्तराखंड नीति पास, सिक्किम नाथुल्ला, अरुणाचल प्रदेश दिहांग पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ वाद 1967। नेक्स्ट है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही सुमिलित विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। नेक्स्ट है, वन्य जीव अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। सेकंड, धनेश अनुसूची टू में शामिल हुए हैं। तो उपरोक्त दिए हुए कथनों में से कौन सा सही है? क्या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट है, सरो हारुल छोपती लंगवीर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के लोकनृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही युग्मों को चुनिए एवं कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है, चैती मेला काशीपुर में होता है और झंडा मेला देहरादून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, कुमाऊं में किस व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉथ। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रेणुका देवी मंदिर नाकुरी, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, परथुराम मंदिर फरासू, माता मूर्ति मंदिर माणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है सही नहीं, कटारमल सूर्य मंदिर कोसी नदी में है, गोल देवता चित्रदेवी मंदिर में है। तो इसमें पूछा है युग्म सही नहीं है, यानी कि भरत गुफा पिथौरागढ़ में नहीं है, कौथल के द्वारा चमोली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। जिस प्रकार चेस चौसियाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है? इसका राइट आंसर है रस ठटवानी। नेक्स्ट है, जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों में से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुछ बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना मंडुआ गेहूं धान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। नेक्स्ट है, पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ध्यान बद्री। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में वो कौन सा सम्मिलित नहीं है? हिरोदा पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। दूसरा है, चरेऊ चरणों में पहनने वाला आभूषण नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें।
कसन फर्स्ट है उत्तराखंड MSME नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड कथन में है इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तथा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रस्तावनों का लाभ अनुमन्य होगा। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। नेक्स्ट है घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओलगिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लखवाड़ मेला जौनसर बाबर का लोकप्रिय मेला है। शनिगढ़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है। सैलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है। हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है। इसमें से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाट कालिका गंगोली हाट में है। वराही देवी देवीधुरा में है। सुरकंडा देवी धनौल्टी में है। छिन्नमस्ता देवी कालीमठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव कीजिए। मालूसाई राजुली व मालूसाई की प्रेम कथा है। हुड़की बोल गाथा कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथाएँ हैं। पावड़े अथवा भड़ो यह वीर रस पर आधारित लोकगाथाएँ। जागर यह है कि एक लोक मान्यता जागर लोक मान्यताओं पर आधारित लोकगाथाएँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम छिटकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2002। नेक्स्ट है कथन फर्स्ट चैत के महीने को नाच दो मैनो कहा जाता है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलो और बासंती गीतों के साथ नाचती थी। उपरोक्त कथनों के लिए कौन सा कूट सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चौफुल्ला लोक नृत्य है। बारहमासा लोकगीत है। देवगुरु चोटी है और देवस्थल वैधशाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 में स्टार्ट हुई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये अक्टूबर 2020, मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजनाओं के संदर्भ में सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अल्मोड़ा ट्विड व बाल मिठाई, बागेश्वर ताम्र शिल्प उत्पाद व मडुआ बिस्किट, हरिद्वार गुड़ और शहद, नैनीताल एपन क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह। गोट्स संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पशुपालन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से मदद से उत्तर दीजिए। कथन फर्स्ट में है आरंभिक कत्यूरी राजाओं
की राजधानी अस्कूट थी। अस्कूट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगार आंदोलन। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में उत्तराखंड के मेलों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में वह अवसर या तिथि जिस पर वह मनाए जाते हैं या शुरू किए जाते हैं। देवी दुर्गा मेला, रक्षाबंधन, उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, गोचर मेला 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झूला नापने की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमि। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं तथा नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है। डॉक्टर बड़थवाल हिंदी अकादमी देहरादून में। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उत्पाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेड्रस देवदार। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, डेकरा संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवी और देवताओं के क्ले मॉडल या मृदा नमूना। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता की क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। घड़ी का समय दिया हुआ है और यहाँ पर जल प्रतिबिंब दिया है, इसमें मैचिंग करनी है हमें। जैसे हमें यहाँ पे ए में दिया हुआ है 8:15 हो रहे हैं, तो इसका हमने जल में प्रतिबिंब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जल का प्रतिबिंब निकालने के लिए हम 18:30 में से 8:15 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10:15 आ गया, यानी कि 8:15 का हो जाएगा 10:15। तो इसी तरीके से हम 9:20 को भी 18:30 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9:10। इसी तरीके से 10:35 को भी 18:30 से माइनस करेंगे तो आएगा 7:55। ऐसी 18:30 में से 10:55 को माइनस करेंगे तो आएगा 7:35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि लैडर का कोड 20, 39, 12, 13, 26 है तो लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया है कि एल का नंबर 12 होता है इंग्लिश में अगर नंबरिंग से देखा जाए तो, और इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और आई है, आई में आई होता है 9, अगर हम 9 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। और जी है, जी होता है 7 नंबर पे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ऐसी एच होता है 8, तो 8+8 16। टी होता है 20, तो 20+8 28, तो ये 20, 17, 15, 16 और 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो महिला का राम से क्या संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहन। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में यदि सभी व्रतों के केंद्रों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं से मिला दिया जाए
तब उन रेखाओं से बने वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसको इस तरीके से मिलाना है। ठीक, अब इसमें कितने स्क्वायर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, और ये हो गया नौ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया दस, और ये बीच, ये हो गया ग्यारह। तो यानी कि इसमें बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ग्यारह, ग्यारह स्क्वायर बनेंगे। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किसमें उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया है कि स्टेट, स्टेट में एस का नंबर होता है 19, ठीक है, एस का नंबर 19 होता है, और टी का नंबर होता है 20, और ए का नंबर होता है 1, और फिर टी का नंबर होता है 20, और एस का नंबर है 19। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है, बाकी होगा इससे कम आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, श्रृंखला 4, 6, 9, 13.5 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला के प्रक्रम को जारी रखता है। इसमें श्रृंखला किस तरह से बनी है, 4, 6, 9, 13.5, तो इसमें क्या है कि 4 के साथ यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हो गया, 6 आ गया। ऐसे 6 से 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ऐसी 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई किएंगे तो 13.5 आया, तो इसी तरीके से 13.5 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20.25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015। नेक्स्ट है, यदि कैलाश गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान है, कैलाश राजेश और जितेंद्र कठिन परिश्रमी हैं, राजेश हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार हैं, कैलाश गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी हैं, तो निम्न में से कौन ना तो ईमानदार है और ना ही कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। तो हमें केवल महत्वाकांक्षी देखना है, ठीक है, ईमानदार है जितेंद्र, ठीक, और कठिन परिश्रमी में भी जितेंद्र भी है, कैलाश भी है, तो हमें यहाँ पर ना ईमानदार देखने ना कठिन परिश्रमी, केवल महत्वाकांक्षी देखना, तो महत्वाकांक्षी में केवल हमारा गोविंद आया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चार गांव ए बी सी डी एक सरल रेखा में है, बी से डी तक दूरी 10 किलोमीटर है और ए गांव डी व सी के बीच में स्थित है, सी से बी की दूरी सी से डी तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है, तो सी से बी कितना दूर है, बी से डी तक की तक दूरी 10 किलोमीटर है, बी से डी तक की दूरी 10 है, ठीक है, ए गांव डी और सी के बीच में है, डी और सी के बीच में है, ठीक है, डी और सी के बीच में ए गांव है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी से डी तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है, इसका मतलब सी से बी कितनी दूर है, सी से यानी हमें इसकी डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, 2 किलोमीटर अधिक है, ये टोटल दिया है 10, तो यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा बी इक्वल टू 6, 2 किलोमीटर अधिक है, यानी कि ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि ये 2 किलोमीटर अधिक है, तो इस बी और सी पूछा है, बी और सी के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर 6 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यूट्यूब चैनल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज को जरूर देखा करें। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।